यस हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर ही होंगे और मजे कर रहे होंगे। सेटेट का एग्जाम पूरा हो गया है। मैं बीच में गैप लिया था क्योंकि सिस्टम डेड हो गया था, लगभग मर चुका था, डेड हो गया था एक्चुअली। ठीक है, हमारे तरफ का एक्सेंट का प्रॉब्लम होता है। खैर, मैं फर्स्ट टाइम कैमरे पे आ रहा हूँ ये बताने के लिए कि अब मैं कैमरे पर पढ़ाऊंगा। रीजनिंग ना पढ़ा के मैं सबसे पहले मैथ्स पढ़ाऊंगा। मैथ्स का मैंने जो टॉपिक डील किया है, मैंने जो टॉपिक लिया है वो मेंसुरेशन लिया है। मेंसुरेशन इसलिए लिया है क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है ना जो रेलवे हो या टेट वाले हो, जो टीजीटी पीजीटी हो या फिर यूपी टेट हो, सी टेट हो, रीट हो, एमपी टेट हो या फिर जो भी टेट वगैरह हो, स्टेट टेट हो, उसमें एक पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बना हुआ है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे मार्क्स बनते हैं, इजी है। थोड़ा सा टफ कर देता है तो लोग फंस जाते हैं। आप कन्वर्जन दे देगा सिलेंडर का, आप यदि स्फीयर में कन्वर्ट कर दो, इसे पिघला कर इसका 1/3 कर दे रहे हो, इसका रेडियस इतना है, इसका रेशियो में दे देगा हाइट इतना है, तो उसकी मैं कन्वर्ट कैसे करता हूँ। ये सब जो क्वेश्चंस होते हैं ना, टाइम टेकिंग नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लाने से सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? ओ मच्छर आ गया था। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए मैथ्स लेके आऊंगा, एक दो दिन में लेके आ जाऊंगा। तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाना चाहा ताकि आप लोगों तक तो पहुंच जाओ, ये भी पता चले कि अब मैं कैमरे पर पढ़ाऊंगा। तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, इससे पहले आप पहले ही इसे सब्सक्राइब करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए करो, आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो आप इससे जुड़िए, है ना, और उन लोगों तक शेयर करिए जिसे ये खास जरूरत होता है। बताइए फ्रेंड्स लोगों से कि ये चैनल है, मैं यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। एक बात और मैं बता देता हूँ, मैथ्स में स्टार्ट करूंगा। मैथ्स का देखिए, मैंने खास करके 5-6 चैप्टर, मैंने 7 चैप्टर मैंने चूज किया है, सेलेक्ट किया है। मेंसुरेशन हो गया, एलजेब्रा का लीनियर क्वाड्रेटिक हो गया, आपका प्रॉफिट वाले जो सेक्शन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में बोलो जिसके अंतर्गत सीआईएसआई आता है, रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये खास करके ये 5 जो चैप्टर है ना, इसे आप यदि आप कमांड कर लेते हो तो इट मीन्स आपका जो कंपटीशन लेवल का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के जो मेन्स मैथ्स के जो सिलेबस होते हैं ना, आप समझो 75-80% कवर हो जाते हैं। अब बचेगा आपका बचा वो 30% या 25%, वो आपका नंबर सिस्टम जैसे जो सवाल होते हैं ना वो आपके होते हैं, प्लस अरेंजमेंट हो जाते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर बहुत सारे चैप्टर आते हैं, होल नंबर, रैशनल नंबर, आपको नेचुरल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, ये सबसे सवाल घुमा घुमा आपका पूछेंगे। डिनोमिनेटर और PYQ वाले रैशनल इरेशनल मैंने बता दिया, रूट वाले टर्म्स में आपको पूछे जाएंगे सवाल, तो बेसिक क्वेश्चंस यही घूमते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने बस वही 5-6 टॉपिक को मैंने उठाया, ज्यादा नहीं, मैं हार्डली 30 से 35 क्लास, 40 क्लास, खूब ज्यादा मैं 50 भी देने के तैयार हूँ, मैं थकूंगा नहीं, बट आपका साथ चाहिए मैं इसमें, तो साथ दीजिएगा। तो अब मैं आ चुका हूँ, साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहता हूँ। सीटेट का मैंने प्रीवियस से करवाया है, यदि कुछ भी प्रॉब्लम होता है ना तो प्लीज 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 इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे कॉल मत करिए, क्योंकि मैं खुद भी स्टडी करता हूँ, ऑफलाइन में अभी भी पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो मैं हो सके तो मेरे पास 2 फोन है यार, मैं कोई अटेंड नहीं करता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। इवन मेरा ये जो एक फोन है, पर्सनल फोन है, 24 आवर में 20 नहीं तो 15 आवर, ठीक है, फ्लाइट मोड में रहता है, है ना, एरोप्लेन मोड में मैं रखता हूँ क्योंकि लेक्चर्स रखता हूँ उसमें, PDFs वगैरह रखता हूँ, तो कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए मैं ऐसे वो रखता हूँ। बार बार की एक फ़ोन है जो रिलेटिव फ्रेंड्स वगैरह के लिए, वैसे तो मैं व्हाट्सएप उसमें चलाता हूँ, बट पर्सनल फोन में मैं ऐसे ही रखता हूँ, तो इसलिए कॉल वगैरह ना करके आप कमेंट बॉक्स में बताइए, यार वीडियो पसंद में नहीं आता है तो कमेंट करिए मुझे, ताकि मैं समझ पाऊँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो मैं भी तो ठीक कर पाऊंगा ना, यदि आप बताओगे तब। क्लियर है ना? एक बात और मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, रीट का जो फॉर्म है वो 1-2 दिन बचा हुआ है, आप फॉर्म डालिए, तो उसके लिए मैं प्रीवियस से करवा रहा हूँ, मैं PDF देख रहा हूँ, मैंने कुछ लोगों से कांटेक्ट किया है मैंने, अब मैं पता करूँगा उधर से। ठीक है, तो मैं उसके प्रीवियस से करवा दूंगा, मैथ्स से रिलेटेड मैं करवा ही दूंगा। और बच गया NTPC बचा हुआ है, अभी एग्जाम चल ही रहे हैं, और ग्रुप डी का बचा हुआ, ग्रुप डी का पता नहीं, मम्मी पापा कुछ पता नहीं, उसके दादा दादी क्या होने वाले हैं, खैर गवर्नमेंट जाने, तो एनीवे देखता हूँ मैं। तो बस ये इन्फॉर्मेशन देना था, मैं कैमरे पर अब आ गया हूँ, आ चुका हूँ, एटलीस्ट समझ लीजिए ये वीडियो है। मैंने लाइट भी ठीक है, आई थिंक लाइट कुछ गड़बड़ नहीं है, आई थिंक सब ठीक है, फिर मैं आप लोगों को लाऊंगा। आई थिंक मेरे फादर आ चुके हैं, है ना, ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो को अभी के अभी शेयर कर दीजिए, उन लोगों तक पहुँचे जिससे खास जरूरत है, फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से। ठीक है,
तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएगा ताकि जब मैं क्लासेस लूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है, तब आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से प्यार लेते रहिए और बड़ों को प्यार देते रहिए, बड़ों से आशीर्वाद भी लेते रहिए, छोटों को प्यार देते रहिए, छोटों से प्यार लेते रहिए, सब कुछ करिए। ठीक है, फिर मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है, क्या मैं भूल गया, फिलहाल इतना छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था, 5 मिनट का इसी में वीडियो बन गया। ठीक है, फिर एक और मैं बात लास्ट में बता ही देता हूँ। ठीक है, यूपी टेट का जो फॉर्म यदि आता है टीसीटी पीटी तो कैंसिल हो गया था, तो मैं उसके लिए मैंने ढेर सारा कंटेंट जमा करके रखा है, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के लिए मैं एमसीक्यू टेस्ट सीरीज चलाऊंगा। एटलीस्ट मैंने क्वेश्चन छाटे हैं, लगभग मेरे पास कम से कम 800 एमसीक्यूज हैं, तो मैं उसमें कम से कम 400 एमसीक्यूज जरूर इतना करवा दूंगा हर पेपर से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सिविक्स, है ना, ताकि आप लोगों का हो सके वहां तक। ठीक है, मैं टॉपिक छाट चुका हूँ मैं, और जो प्रीवियस ईयर है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूजीसी नेट, प्लस ये आपके हेलो टीजीटी पीजीटी, हरियाणा का हो जाए, बिहार का हो जाए, यूपी का हो जाए, झारखंड का हो जाए, मैंने सबके क्वेश्चंस उठाए हैं, और प्लस जो सेलेक्टिव बुक्स होते हैं वहाँ से मैंने क्वेश्चन उठाए, कुछ अच्छे अच्छे राइटर्स के क्वेश्चन उठाए, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा नहीं, फिर दिक्कत होगा टाइपिंग वगैरह में, टाइप करना टाइप लेता ही है, तो मैं काम करूंगा ना, जो पिक्चर्स वगैरह पीडीएफ बनते हैं मैं वहीं से क्रॉप करके क्वेश्चन अपलोड करूंगा, वहीं से हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिएगा और क्वेश्चन अटेंड करिएगा। ठीक है, मैं क्लासेस में वैसा छोटा सा डेमो दे दूँ क्या, नहीं दूंगा। हाँ देखो, इधर बोर्ड आपको दिख रहा होगा, है ना, यहीं पर कॉर्नर में आपको इस जगह पर बोर्ड दिख रहा है ना, इस जगह पर, है ना। ठीक है, तो बोर्ड लगा कर रखा है, छोटा सा बोर्ड है। ठीक है, अभी मैं एक्चुअली मैं बता देता हूँ, लॉकडाउन के पहले मैं दूसरे शहर में रहता था, मैं वहाँ इंस्टीट्यूट चलाता था, मैं खुद ऑनर था, बट यहाँ शिफ्ट किया, फिर इधर शिफ्ट कर गया, फिर यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, न्यू रूम है, अभी हड़प के रखा हूँ, ये मेरा रूम नहीं है, फिर भी मैंने हड़प के रखा है, है ना, मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पर, उधर नेटवर्क का इशू होता है, इसलिए मैंने ऊपर ही थर्ड फ्लोर पर आ गया। ठीक है, फिर मिलता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहिएगा। ठीक है, और पक्का शेयर जरूर करिएगा इसे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूँ मैं, जल्दी मिलूंगा, आई थिंक 24 घंटे के अंदर ही मिल जाऊंगा आपको। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।